हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आप लोग जानते हैं डेली सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंटिफिक नेम्स यानी वैज्ञानिक नाम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है NTPC में साइंटिफिक नेम भी आ रहे हैं। दो साइंटिफिक नेम आप लोगों के आ चुके हैं, तो आप लोगों के शिफ्ट में जो भी साइंटिफिक नेम आए वो आपसे गलत ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को सभी साइंटिफिक नेम हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी आप लोग जुड़ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं आपके लिए रोज दोपहर 1 बजे साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप लोग मिस मत करो दोस्तों। सभी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, इजीली आप लोगों से बन जाएंगे जो भी आप लोग NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो डेली 1 PM पे होती है। इस क्लास के लिए क्या करना है, वैसे कमेंट में मैं लिंक भी दे दूंगा, सीधे लिंक से भी जुड़ सकते हो। लिंक खोल के वहां पर नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी कर लेना, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए क्लास स्टार्ट होने से पहले। बाकी क्या करना है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर मेरा नाम सर्च करना है, मुझे फॉलो करना है। स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सारी क्लासेज दिख जाएगी। जो भी स्पेशल क्लासेज आप लोग खोलोगे तो आप लोगों से पहले गोल पूछेगा, तो गोल डाले SSC एग्जाम्स स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। और जो भी क्लास खोलोगे आप लोगों से कोड पूछा जाता है, तो कोड आप लोग डाल दीजिए नीरज 11, कोड डाल दीजिए नीरज 11, कोड डाल दीजिए नीरज 11, अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम, यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, जिससे सभी टीचर के सभी स्पेशल क्लासेज आप लोग फ्री में देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम्स। और जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, याद करें ट्रिक से, तो हमारा फंडा क्या होगा, कैसे हम लोग याद करने वाले हैं, कैसे आप लोगों को आज की क्लास में सारे साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। ध्यान से देखो, देखो हम लोग क्या चीज़ यूज करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी जीव का अगर आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग इमेज एसोसिएशन यूज़ करेंगे। सर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमोसेपियंस। अब आप लोगों को मैं ट्रिक बताऊं, ह्यूमन ऐसे चला उसमें होमोसेपियंस ऐसे आया, तो आपको याद नहीं रहेगा। सिंपली हम लोग इससे जो एसोसिएटेड इमेज होगी वो मैं आपको लगाऊंगा, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। जैसे इसमें कैसी है आपकी ह्यूमंस की शेप्स, ह्यूमन की शेप्स, तो ह्यूमन की शेप से याद रखेंगे, ह्यूमन का यानी मानव का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होमोसेपियंस होगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। सभी ऑर्गेनिजम्स का हम लोग साइंटिफिक नेम ऐसे याद रखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इमेज वहां पर रखेंगे, जिससे आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाए, हाँ यार ऐसे कुछ इमेजेस थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले के तरफ हम लोग चलते हैं, मंकी की, बंदर की। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बंदर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सर्कोपीथीसीडाई। ठीक है, क्या होता है सर्कोपीथीसीडाई। अब देखो काफ़ी मुश्किल नाम है, तो याद कैसे करेंगे आप लोग, देखिए बंदर है और बंदर के सर पे कुछ डाई हो रही ना, तो मैंने बंदर के सर को डाई किया, तो यहाँ पर देखे सर्को डाई से आप लोग ध्यान रख सकते हो, सर्को और इसमें डाई भी आ रहा है, तो बंदर का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर्कोपीथीसीडाई। आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आप लोगों के, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाएगा सर्कोडाई से, कि सर्को भी आ रहा है इसमें डाई भी आ रहा है, तो ये मंकी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। जल्दी से बताइए कैसे लगा आप लोगों को पहला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काऊ का साइंटिफिक नेम। तो काऊ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। अब इसको याद कैसे रखें, देखो तो आप लोग याद रखो गाय इंडिया की बॉस है, तो इंडिया की जो बॉस है इसलिए इनको है ना बिल्कुल बॉस वाली टोपी पहना दी, और किसकी है इंडिया की है, तो इस इमेज से आपको इजीली एग्जाम में याद आ जाएगा गाय इंडिया की बॉस है, तो इंडिया की बॉस से क्या हो जाएगा, इसमें बॉस भी आ रहा है और आपका इंडिकस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों बाघ की, टाइगर की। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो इसको याद कैसे करें, तो सिंपली याद रखो टाइगर इज ईटिंग ग्रास। आप लोग देख पा रहे हो टाइगर ग्रास खा रहा है, तो इज ईटिंग ग्रास है ना, तो इज ईटिंग से आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो टाइगर, और आपका ईटिंग से क्या हो जाएगा दोस्तों टिग्रिस, है ना, ये आप लोग देख रहे हो, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, सॉरी टाइगर इज ईटिंग ग्रास, टाइगर ग्रास यानी टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है इसमें कुछ ग्रास करके आएगा, देखो टिग्रिस, तो इससे आप लोग को याद आ जाएगा, इमेज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉयन की। तो लॉयन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा लियो, तो इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए लॉयन ने लियो का नाम लिया, ये जो लॉयन है इसने किसका नाम लिया, लियो का नाम लिया, तो लियो यहां पर आप लोग देख सकते हो इमेज से आपको ध्यान रहेगा, तो लॉयन ने लियो का नाम लिया, तो लॉयन और आपका लियो,
तो इसके नाम में लियो आ रहा है, इससे आप लोग ध्यान रह जाएगा। तो इमेज एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आप लोगों को एग्जाम में ध्यान रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों लेपर्ड की, तेंदुओं की। तो तेंदुओं का जो होता है साइंटिफिक नेम वो होता है पैंथेरा पार्डस। क्या होता है? पैंथेरा पार्डस। अब इसकी ट्रिक क्या है? लेपर्ड्स या तेंदुओं की परेड, मतलब बहुत सारे तेंदुए वो क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं। तो परेड कर रहे हैं तो दोस्तों लेपर्ड्स क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं। तो इसमें कुछ परेड आएगा तो आप लोग देख सकते हो पैंथर पार्डस है ना, तो परेड से आप लोग ध्यान रखोगे पार्डस इसके साइंटिफिक नेम में आएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ली का, यानी कैट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेलिस कैटस। वो क्या होता है? फेलिस कैटस। अब आप लोग ऐसे समझिए, देखिए कुछ कांटे सा ही आपका कुछ कैक्टस सा कुछ है, इससे आपकी बिल्ली गिर गई, तो कैट फेल फ्रॉम कैक्टस। आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिए आप लोग जो कैट होगा बिल्ली होगा वो कहां से गिर गई? आपके कैक्टस से गिर गई। तो कैट फेल फ्रॉम कैक्टस, तो इससे कैट फेल कैक्टस से याद रखेंगे। कैट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेल से आपका हो जाएगा फेलिस और कैक्टस से हो जाएगा कैटस, है ना। तो इमेज एसोसिएशन से बिल्कुल आप लोगों को याद रह जाएगा अच्छे से। और इसका दूसरा तरीके से और कैसे समझ सकते हो, या सिंपली ये देख लो कि कैटस में कैट वर्ड आ रहा है, ये जो आपका कैटस है इसमें कैट वर्ड आ रहा है ना, तो ये आपके कैट का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंढक की, फ्रॉग की। तो मेंढक का जो साइंटिफिक नेम वो होता है राना टी ग्रीना होता है, तो इसको कैसे याद रखे? तो जो आपका ग्रीन फॉग है ईटिंग ग्रीन टी, जो ग्रीन टी होती है ना आप लोग पीने में यूज करते हो, इसको क्या कर रहा है? खा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखें मेंढक से ग्रीन टी कुछ रिलेटेड होगा तो टी ग्रीना, ठीक है। तो टी ग्रीना आप लोग देख पा रहे हो ग्रीन टी से कुछ रिलेटेड है, तो आप लोगों को सिंपली याद रह जाएगा जो मेंढक है उसके साइंटिफिक नेम में कुछ ग्रीन टी करके कुछ आएगा, तो देखिए टी ग्रीना। चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोर की, पिकॉक की, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पावा क्रिस्टेटस। अगर बात करें पिकॉक की, इसका साइंटिफिक नेम होता है पावा क्रिस्टेटस। अब इसको दो तीन तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखिए इसके साइंटिफिक नेम में पावा आ रहा है, पावा आप लोग जानते हो ना पाव भाजी वाला, तो पहले तो आप लोग ये ध्यान रख लो मोर पाव खाता है, यानी जो मोर होता है पिकॉक वो पाव खा रहा है, तो उसके नाम में कुछ पाव करके कुछ आएगा, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज कैसे दोस्तों, ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मयूरी है, है ना, मतलब मयूरी नहीं है। तो इसके लिए और क्या याद रख सकते हो? मोर की स्टेटस मोर नहीं जाने, मतलब ये मोर है इसका स्टेटस क्या है? तो देखिए व्हाट्सएप स्टेटस के लिए मैंने एक सिंबल लगा दिया, तो मोर की स्टेटस मोर नहीं जाने, तो देखो स्टेटस भी आ रहा है ना, इसमें स्टेटस भी आ रहा है ना। तो इमेज एसोसिएशन से आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा, एग्जाम में ध्यान रखिए हाँ मोर के स्टेटस से कुछ रिलेटेड था, देखो पिकॉक है और ये व्हाट्सएप स्टेटस है, तो स्टेटस से आप लोग ध्यान रखेंगे पिकॉक के नाम में कुछ स्टेटस करके कुछ आएगा, तो पावा का स्टेटस इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों मटर की, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पीसम सटाइवम। क्या होता है? पीसम सटाइवम। तो आप लोग ये जानते होंगे, अगर आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा तो मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवी में कुछ ऐसा होता है आप लोग के गेहूं पीसने का, तो इससे ध्यान रखो मटर पीसम एंड पीसम एंड पीसम, मटर को पीसते ही जा रहे हैं पीसते ही जा रहे हैं पीसते ही जा रहे हैं, तो इसमें पीसने से रिलेटेड कुछ आएगा तो पीसम सटाइवम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों चावल की या धान की, तो इसका आप लोग सिंपली याद रखो धान की ओरी। क्या याद रखो? धान की ओरी, मतलब धान है चावल है उसका कुछ है आपके पास में ना कुछ कटोरा टाइप का है, तो ओरी से याद रखेंगे ओराइवा ओराइजा, ठीक है, ये क्या ध्यान रह जाएगा? ओराइजा। तो ये आप लोग बिल्कुल एक एक वर्ड भी अगर आप लोगों को याद रहेगा तो सिंपली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। तो धान के चावल का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। याद कैसे रखें दोस्तों? धान की ओरी, ओरी का मतलब होता है कुछ, मतलब कटोरी वगैरह, तो इसमें कुछ ओरी से कुछ रिलेटेड है, तो ओराइजा आपका आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सरसों की, मस्टर्ड की। तो सरसों का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका ब्रैसिका कंपेस्ट्रेस। क्या होता है? ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो पेस्ट्रीज करके कुछ बड़ा ना, पेस्ट्री आप लोग जानते हो ना पेस्ट्री, तो इससे याद रखो सरसों की पेस्ट्री, यानी जो सरसों होगा मस्टर्ड होगा उसके साइंटिफिक नेम में कुछ पेस्ट्री से कुछ रिलेटेड आ रहा है ना। पेस्ट्री मैंने यहाँ पर देखो रख दी जिससे आप लोगों को याद रहे, तो पेस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज आ रहा है, तो देखो ये आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपके मैंगीफेरा इंडिका। अब कैसे याद रखे? तो आप लोगों को पता है जो इंडिया के आम लोग होते हैं वो मतलब फेरे लगाते हैं ना शादी में, तो शादी में आप लोग देखते होंगे फेरे लगते हैं, तो फेरे किसके लगा रहे हैं? मैंगो के लगा रहा है। तो ध्यान रखो इंडिया के आम लोग मैंगो के फेरे लेते हैं,
तो यहां से आप लोग मैंगो के फेरे से क्या याद रह जाएगा, जो मैंगो है इसके साइंटिफिक नेम में कुछ फेरा आएगा, तो ये आपका हो जाएगा मैंगे फेरा। और कहाँ के लोग रहते हैं, इंडिया के लोग फेरे लेते हैं, तो मैंगी फेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इमेज से आप लोग सिंपली ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका फेवरेट होगा ये तो ये जो चना है जिसको चिकपी भी बोलते हैं, तो चना का साइंटिफिक नेम है सीसर एरी एटिनम। अब कैसे याद रखिए, आपको कुछ दया दिख रही है, बाबूजी दिख रहे हैं, ये तो पता ही है, मतलब सब देखते होंगे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये आपको पता है जो ससुर हैं दया के, ये तो इसको ट्रिक कैसे याद रख सकते हो आप लोग, दया ने चने खिलाकर ससुर जी से एटीएम छीना। ससुर जी के पास भाई एटीएम था, ससुर जी दे नहीं रहते, तो उनको फेवरेट चने बना दिए और चने बना के उनसे क्या ले लिया दोस्तों, एटीएम छीना। तो ध्यान से रखिए चने, तो चने का साइंटिफिक नेम क्या होगा, सीसर एरी एटिनम। तो ससुर जी से कुछ आ जाएगा सीसर और एटीएम चीना से एरी एटिनम, समझ रहे हो? तो इमेज से बिल्कुल आप लोगों को याद रह जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे गेहूं, और आप लोग यहां पर देखिए दोस्तों गेहूं बहुत सारे अमाउंट में ना, देखो गेहूं आपके बहुत सारे अमाउंट में, तो इतना गेहूं हुआ कि ट्रक के ट्रक कम पड़ गए, तो गेहूं का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्ट्रिवम। तो ट्रिटिकम से याद रखो ट्रक के ट्रक कम पड़ गए, है ना, गेहूं के इतना सारा गेहूं आप लोगों का प्रोड्यूस हुआ कि ट्रक के ट्रक कम पड़ गए, तो इसमें कम आ रहा है ना, तो गेहूं का साइंटिफिक नेम आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटैटो, तो यहाँ पर आप लोग देखें जो आलू है उस पर कुछ क्या पड़े हैं, ट्यूब्स पड़ी है, कुछ क्या पड़ी है, ट्यूब्स पड़ी है, और ये ट्यूब्स कैसी है आपकी, 16 ट्यूब पड़ी है और नम ट्यूब है, बिल्कुल नम का मतलब गीली सी होती है ना, तो आलू पर 16 नम ट्यूब पड़े हैं। तो आप लोग आलू से याद रखो सोले नम, तो इसका क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम, सोले नम ट्यूब रोसम, तो इसमें कुछ ट्यूब करके कुछ आ रहा है, आलू पर ट्यूब है, तो ट्यूब से ध्यान रखो, इसमें देखो ट्यूब आ रहा है ना, तो इससे आप लोग इजीली एग्जाम में टिक कर पाओगे, आलू पे कुछ ट्यूब से कुछ रिलेटेड था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्याज, तो यहां पर आप लोग एक इमेज देखिए, इसमें कुछ एल्यूमिनियम का बॉक्स है और कुछ आप लोगों को प्याज दिख रहा है, तो एल्यूमिनियम बॉक्स में छिपा प्याज, ठीक है, तो इससे कैसे याद रखोगे, देखो छिपा से आपका हो जाएगा सीपा भी आ रहा है, और एल्यूमिनियम है आप लोगों का, मतलब प्याज जो है एल्यूमिनियम के बॉक्स में, तो प्याज का साइंटिफिक नेम हो जाएगा एलियम सीपा, इससे आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। बताओ दोस्तों याद रह जाएगा क्या, जिस प्रकार से इमेज एसोसिएशन मैंने किया है, इमेज लगाई है, इजीली याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ट्रिक से ज्यादा आप लोग इमेज को एसोसिएट करके देखोगे तो इजीली एग्जाम में याद रहता है, हाँ यार प्याज कुछ उसमें कुछ एल्यूमिनियम के बॉक्स में था, तो उससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बनाना का, केला का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मूसा पैराडाइसिया का। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये पीछे जो दिखा रखी है आप लोगों को इमेज, ये क्या है, पैराडाइज है, पैराडाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वर्ग। तो ये एक आपका कार्टून जानते होंगे सभी, मिनियंस, वैसे मैं तो नहीं जानता लेकिन मैंने अभी देखा है आपको मिनियंस, तो मिनियंस का बनाना पैराडाइज, जो आपका मिनियंस है ये पैराडाइज में बनाना लेकर, तो जो बनाना का हो जाएगा क्या हो जाएगा, मूसा पैराडाइज का इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमरूद यानी गुआवा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सीडियम गुआ जावा। अब दोस्तों इसको याद रखने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नाम में ही क्या आया हुआ है, गुआवा आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग गुआवा आया हुआ है, तो इससे सिंपली आप लोगों को याद रह जाएगा, इसका तो साइंटिफिक नेम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पपीता, केला, इसके भी साइंटिफिक नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके साइंटिफिक नेम में क्या आया हुआ है, पपाया हुआ है, क्या है, कैरी का पपाया, तो इजीली आप लोग बता सकते हो कि ये जो है किसका साइंटिफिक नेम है, पपीता का यानी पपाया का साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाइनएप्पल, जिसको हिंदी में अनानास बोलते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है अनानास आपका कोमोसम, तो इसके भी साइंटिफिक नेम में क्या हुआ है दोस्तों, कोमोसस है ना, कोमोसस है, तो इसके भी साइंटिफिक नेम में पाइनएप्पल में अनानास आया हुआ है, आप लोगों को पता है पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास बोलते हैं, तो इसके भी साइंटिफिक नेम में अनानास आया हुआ है, तो आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों चीकू की, तो आप लोग देख रहे हो नीचे कुछ चीकू रखे हैं, और इस चीकू पे कौन झपट्टा मार रहा है, चील झपट्टा मार रहा है, तो चील ने चीकू को मारा झपटा। अब इससे याद रखे चीकू में कुछ झपटे से कुछ रिलेटेड है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, जयपोटा, है ना, पोटा देख लो, झपटा झपटा बोल लो, पोटा देख लो, जयपोटा देख लो, एक जैसा ही है कुछ, तो आपका चीकू का क्या हो जाएगा, मेलिनकारा जयपोटा,
ठीक है। तो झपटा याद रखो दोस्तों, चीकू पे झपटा मारा था, तो इससे आप लोगों को इजिली ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आंवले की, जिसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलेंथस आपका एम्बिलिका, ठीक है, फाइलेंथस एम्बिलिका। ऐसे कैसे याद रखे आंवले का, कुछ फाइल से कुछ रिलेटेड है ना, तो देखो आंवले की फाइल्स, आंवले की फाइल्स, तो इससे आप लोगों को याद रहेगा आंवले के साइंटिफिक नेम में कुछ फाइल्स करके कुछ आ रहा था, तो ये आपका फाइलेंथ आ जाएगा साइंटिफिक नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्पल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पायरस मेलस। अब ये जो आप लोगों का एप्पल है, इसके ऊपर दोस्तों कुछ पाई रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ, पाई रखा हुआ है एप्पल पे, पाई आप लोग जानते हो गणित में होता है, ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे एप्पल का जो साइंटिफिक नेम होगा उसमें कुछ पाई करके कुछ आएगा, तो ये आपका इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेप्स की, अंगूर की, जिसका साइंटिफिक नेम होता है वाइटिस विनिफेरा। अब इसको कैसे याद रखें, तो आप लोगों को पता है अंगूर में विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी, तो इसमें कुछ विटामिन करके कुछ आएगा, आप लोग याद रखो विटामिन वाले अंगूर, तो विटामिन से आपको ये याद रह जाएगा वाइटिस, ठीक है दोस्तों, वाइटिस सी आ रहा ना लास्ट में सी, तो ये विटामिन सी से आप लोगों को याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो जैक फ्रूट होता है, कटहल होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका ऑटोकॉर्पस हेट्रोफाइलस। अब इसमें देखिए जैक फ्रूट के साइंटिफिक नेम में कुछ ऑटो करके कुछ है ना आ रहा है, आर्ट्रो आएगा दोस्तों, ये आर्ट्रो आएगा ना, आर्ट्रो, तो आर्ट्रो करके कुछ आ रहा, आर्ट्रो करके मतलब कुछ आर्ट से रिलेटेड है, तो यहां पर मैंने कुछ आर्ट से बनी हुई कुछ एक मैंने तस्वीर लगा दी, जिससे आप लोगों को याद रहेगा जो जैक फ्रूट है आपका कटहल है वो कुछ आर्ट से रिलेटेड है, या फिर ये ध्यान रख लो जैक की आर्ट, ठीक है, जैक की आर्ट, इससे आप लोगों को ध्यान रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑरेंज, तो इसके तो साइंटिफिक नेम में कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, जो कि दिया हुआ आपको सिट्रस साइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, तो आप लोग जानते हो ऑरेंज होता है इट सिट्रिस, यानी खट्टे को ही हम लोग बोलते हैं सिट्रस, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे ऑरेंज से सिट्रस, ठीक है दोस्तों। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में, जो मक्का होता है इसका, अब देखो बताने में मैं आप लोगों को केवल और केवल 6-7 बता के निकल जाता जिसमें बेस्ट ट्रिक लगती, लेकिन आप लोगों को पता है एग्जाम में कुछ भी पूछ रहा है, कभी छुई मुई के पौधे का पूछ लिया, कभी बनाना केले का साइंटिफिक नेम पूछ लिया, इसलिए जितनी चीज़ें आप लोग के पॉसिबल उतनी आप लोगों को करनी है। वैसे स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा हूँ इसी में से आप लोगों का जनरली पूछा जाता है, तो अगर मेज की बात करें मक्के की, तो इसका होता है जी मेज, इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो इसको कैसे याद रखें, जैसे मान लीजिए कोई मक्का बेचने वाला है तो मेज लो जी मेज लो, है ना, वो बोल रहा है मेज लो जी मेज लो, तो इसमें जो आपका मेज है यानी मक्का बोल रहा है मेज लो जी मेज लो, मेज इसको हिंदी में बोलते हैं मक्का, यानी मक्का लो जी मक्का लो, तो मेज लो जी मेज लो, तो आप लोग का मेज इसमें करके कुछ आएगा, तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि इसका साइंटिफिक नेम ये होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों जौ, तो मैंने जौ को किस में बनाया दोस्तों, हर्ट में बनाया ना, हर्ट में बनाया ना, तो इसका ध्यान रखें मेरे हार्ट में जौ ही जौ है, आप लोग देख सकते हो हार्ट सा बना हुआ, इसमें जौ ही जौ है, तो इसमें जो जौ होगा उसमें हार्ट से रिलेटेड कुछ आएगा, तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों हार्डियम, हार्डियम है ना, हार्ट से रिलेटेड कुछ आ रहा है ना, तो इससे आप लोग इजिली क्या कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टमाटर, तो टमाटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपके सोल्नम लाइकोपर्सिकम। अब आप लोगों को पता है टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो लाइकोपीन से आप लोग इजीली याद रह जाएगा ये आपका टमाटर का साइंटिफिक नेम, ठीक है, क्योंकि आपका जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तुलसी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है आपका ऑसिमम सैंक्टम, तो इसको कैसे थोड़ा सा याद रखेंगे, तो ध्यान रखिए जो आपकी मम्मी है वो संकट में तुलसी पूजती है, तुलसी की पूजा होती है ना, तो जो मम्मी है वो संकट में तुलसी पूजती है, तो संकट में से याद रखेंगे लास्ट में सैंक्टम आ रहा है, ठीक है, सैंक्टम आ रहा है, तो तुलसी के साइंटिफिक नेम में कुछ सैंक्टम करके कुछ आ रहा है, यहां से आप लोग देख सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोयाबीन, सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स, तो यहाँ पर आप लोग याद रखो सोयाबीन से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, सोयाबीन पाया जाता है, जैसे आप लोग सोया चाप खाते हो, कहीं कहीं तो सोयाबीन की सब्जी भी बनती है, तो सोयाबीन से मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते हैं, मैक्सिमम से याद रखो, इसमें कुछ मैक्स करके कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेम की, तो सेम का मैंने साइंटिफिक नेम बता दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, अब आपने मुझसे तो मेहनत करवा ली,
अब मैं आप लोगों को कुछ 6-7 नाम लिखूंगा, लेकिन मैंने उसकी ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी कलाकारी देखूंगा कि आप कुछ लगा निकाल सकते हो कि इससे, तो कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोगों को कुछ 6-7 नाम बताऊंगा जिसके आपको साइंटिफिक नेम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसकी कुछ आपको ट्रिक बनानी है। तो ये है आपका पहला नंबर, मैंने वैसे लिख दिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कसावा, ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी बैंगन की, तो बैंगन का होता है आपका सोलेनम मेलोंजेना। तो देखिए यहाँ से सोलेनम आ रहा ना, यानी 16 इंटू 9 हम लोग बोलते हैं, 16 दूनी 16 तिया 16 चौके 16 पंजे 16 अट्ठे 16 नम, तो सोलेनम से याद रखो कुछ, सोलेनम बैंगन कुछ ऐसे करके, समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से बाजरा की, जिसकी आपका साइंटिफिक नेम ये है। तो मैंने पहले आपको एक टास्क ये दिया है, दूसरा टास्क आप लोगों का ये रहा। फिर हम लोग बात करते हैं अरहर की, जिसका साइंटिफिक नेम है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपका नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है मसूर, और मसूर का दोस्तों साइंटिफिक नेम ये रहा आप लोग का 4th नंबर का टास्क। अगर हम लोग बात करें उड़द, ये है आपका इसका साइंटिफिक नेम, तो ये आप लोग का हो गया नंबर 5। ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, मैंने वही आपको बताया, ठीक है, उसी की मैंने टिक नहीं बनाई। मूंगफली का ये हो गया नंबर 6, और ये आप लोगों का हो गया दोस्तों सलजम, ये हो गया नंबर 7। अगर हम लोग बात करें गाजर की, तो गाजर को तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, गाजर के साइंटिफिक नेम में ही क्या आया हुआ है, कैरोट आया हुआ है। आप लोगों को बताना गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता ना, है ना, और गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें कैरोट आ रहा है, कैरेट करके कुछ आ रहा है, तो ये तो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। और ये आपका हो जाएगा मूली, तो अभी कितने नंबर कर लिए थे हम लोगों ने, 7 कर लिए थे, मूली हो गया आप लोगों का 8वें नंबर का। तो जिसको जो ट्रिक समझ में आती है पहली दूसरी तीसरी वो आप लोग बता देंगे। ये चुकंदर का हो गया दोस्तों, ऐसे लोग बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ये आपका हो गया शकरकंद का 11 नंबर, ठीक है, ये आपका हो गया भिंडी का 12 नंबर, ये आपका हो गया कद्दू का 13 नंबर, समझ गए। तो ये आप लोगों की कुछ ट्रिक्स थी, जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोग हर किसी का साइंटिफिक नेम याद नहीं रख सकते जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, उन सबके मैंने बता दिए। फिर भी मैंने कुछ आप लोगों के, क्योंकि रेलवे में क्या एनटीपीसी में इस बार पूछ ले छुई मुई का पौधा, और जनरली नहीं पढ़ के जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जैसे बनाना का पढ़ लोगे आप लोग, है ना, आप लोग बंदर का पढ़ लोगे, टाइगर का पढ़ लोगे, ह्यूमंस का पढ़ लोगे, समझ रहे हो आपको, आप सरसों का पढ़ लोगे, हर चीज का हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपको सबके साइंटिफिक नेम बताए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ बना सकते हैं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो बताइए कैसे लगी आप लोगों को ट्रिक, जितने भी हम लोगों ने करा है। तो हमेशा आप लोग इमेज के साथ में पढ़ो, तो इमेज के साथ ईजिली आपको याद रहता है। जैसे अच्छा मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताओ, जो मंकी था बंदर था उससे रिलेटेड कुछ था, क्या था, बंदर के मंकी के साइंटिफिक नेम में क्या आना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, वो एक वर्ड बता दो आप तो केवल, कि सर ऐसा कुछ करके आएगा। देखो अभी आपको याद रहेगा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने स्टार्टिंग से क्लास देखी है ये वाली और उसको ध्यान नहीं रहे, बताइए। तो मैंने पहला एक तो पूछा मंकी का, एक दोस्तों मैंने मोर का पूछा, तो दो बताओ देखते हैं कितने जनों को याद रहता है, जल्दी से बताइए कितने जनों को याद रहता है, जो मंकी था उसमें क्या आ रहा था, डाई आ रहा था, देखो सबने बता दिया डाई आ रहा था, सर सब बता रहे हो, मोर में क्या रिलेटेड था, मोर में, तो मोर में दो चीज आ रही थी आपको पता है, एक तो मोर पाव खाता है, पाव भी आ सकता है सर, और अब वो स्टेटस मोर का स्टेटस देखती है ना, तो स्टेटस करके भी कुछ आएगा, तो ऐसे इजीली आप लोगों को याद रह जाता है। तो ये छोटा सा एक मैंने वीडियो करा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आप लोग के सभी एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों डेली 1 PM पे ये क्लास अटेंड करना मिस ना करे, साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर और एनवायरमेंट। तो मैंने आपको क्लास के कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, सीधे आप लोग जुड़ जाना, और वैसे आप लोग सीधे पहुंच सकते हो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर मेरा नाम सर्च करो नीरज जंगन, मुझे फॉलो करो, स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को क्लासेज मिल जाएगी। बस गोल अपना सेलेक्ट करना SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग एक नए यूजर हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग पुट कर दीजिए नीरज 11, आप लोग कर दे अनलॉक, आ जाएगा ऑसम, यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। और दोस्तों ध्यान रखिए 11 जनवरी से, यानी कल से आप लोगों के, मतलब आज से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो रहे हैं आज से। तो यहां पर आपके क्या बेस्ट चीज मिलती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, हर वीक आपको 30 से ज्यादा नए बैच मिलते हैं, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट अवेलेबल है, हर दिन 300 से ज्यादा क्लास है, आपकी जो इच्छा हो जिसकी क्लास आप लोग देख सकते हो, बेस्ट एजुकेटर्स वहां पर आप लोगों को मिलते हैं। तो 11 जनवरी से ही आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है बैच,
किस किस के CGL के आज से, CHSL के आज से और आपका CET का आज से, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बायोलॉजी, समझ रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे जितने भी कोर्सेज हैं। तो आप क्या करें, SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन ले लें दोस्तों, 24 महीने का ये पड़ता है, 7500 का। रेफरल कोड डाल देंगे नीरज 11, डाल देंगे नीरज 11, प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपका 6480 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो, मैं तो बैंक, SSC, रेलवे का तीनों को कंबाइन लेना चाहता हूँ, तो तीनों को कंबाइन ले सकते हो। एक साल का 14450 है, 3 साल का लेना चाहता हूँ ये 20230 है। यहाँ पर आप लोग कोड यूज़ करिए नीरज 11, आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक साल का पड़ जाएगा दोस्तों कितने का, आप लोगों का 13005 रुपये का, और ये पड़ जाएगा आपका 18207 का, समझ रहे हो, नीरज 11 यूज़ करके। चलिए दोस्तों, तो इसकी जो PDF होगी ना, आज हम लोगों ने करी है, इसकी PDF आप लोगों को क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी 20 मिनट के बाद में, है ना। और बताइए, और कल हम लोग दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। बहुत प्रॉब्लम आती है एनिमल किंगडम में कि सर ये ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा, बताओ प्रॉब्लम आती है नहीं आती, बताओ प्रॉब्लम आप लोग को बहुत ज़्यादा आती है ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, और इस एनिमल किंगडम की जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है कि आपकी जो चींटी होती है ये कौन से फाइलम में आएगी, है ना, मैं आप लोगों से बात करूं, चींटी की बात करें, स्टार फिश, जेली फिश, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सरीसृप क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग कल पढ़ेंगे आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को जो PDF होगी इस क्लास के नीचे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों आज की 1 बजे अनएकेडमी की फ्री स्पेशल क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।